दोस्तों हम फिर से ऐसा क्लिप लेके आ चुके हैं जो कि आपने टीवी पे नहीं देखा होगा। यहाँ पे शहनाज सारे घर वालों की कॉपी करते हुए नज़र आती हैं और मधुरिमा के बारे में बताती हैं कि वो हाथ जोड़कर ऐसी सीधी बनी रहती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं पे शेफाली पूछती हैं कि विशाल के बारे में बता, तो विशाल के बारे में बताते हुए शहनाज कहती हैं कि वो ऐसा लगता है कि सोचता है कि बहुत दिमाग वाला है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बस एक्टिंग करता है और उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता। फिर उसके बाद शेफाली हंसने लगती हैं और पूछती हैं कि बता शहनाज के बारे में कि शहनाज क्या करती है। इसके बाद जो शहनाज हैं वो अपना एक्टिंग करते हुए बताते हैं कि मैं बहुत क्यूट हूँ और गालों पे उंगली डाल के बताती हैं कि ऐसे क्यूट वाला बिहेवियर है शहनाज का घर के अंदर। उसके बाद जो शेफाली बग्गा हैं वो और ज़्यादा हंसने लगती हैं। उसके बाद पूछती हैं कि शेफाली बग्गा क्या करती है। इसके बाद वो बताती हुई नज़र आती हैं कि वो सोती रहती है दिन भर और उसके बाद वो सोचती रहती है कि अब मैं बताऊंगी घर वालों को। वो उसके बाद चिढ़ जाती है और चिढ़ने के बाद सोचती रहती है कि अब मैं बताऊंगी घर वालों को, ऐसा उन्होंने दो बार बोला। उसके बाद वो शहनाज कहती हुई नज़र आती हैं और बताती तब है वो जब सारा काम काज और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तब बताती हैं वो कि अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी। इसके बाद पूरा का पूरा वो बहुत ही मज़े तरीके से बताती हुई नज़र आती हैं शहनाज और कॉपी करती हैं। इसके बाद जो शेफाली बग्गा हैं वो पूछती हैं कि रश्मि कैसा करती है, फिर वो एकदम सीधा शांत जैसा बताती हैं कि सीधा शांत रहती है बाहर से लेकिन अंदर से ऐसे खूंखार दिखती है और ऐसे लगता है कि जैसे खाने के लिए आ रही है। इसके बाद बग्गा और ज़्यादा हंसने लगती हैं और फिर पूछती हैं कि पारस क्या करता है, फिर पारस का वो एक्टिंग करके बताते हैं कि ऐसा स्वैग वाला है और ऐसे दिन भर स्वैग में रहता है और कुछ करता नहीं है लेकिन अंदर से ऐसा ठुस है, उंगली करके ऐसे बताते हैं कि अंदर से ऐसा ठुस है, कुछ भी नहीं आता उसको। उसके बाद जो शेफाली बग्गा है वो और हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि बता घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला कैसा है। इसके बाद शहनाज जो हैं वो उसको किस करते हुए नज़र आती हैं और बोलती हैं कि नो कमेंट्स ऑन सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से वो इस पूरे खेल को इंजॉय करती हैं दोनों मिलके। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।